हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और मैं जा रही हूं मार्केट, और मार्केट जा रही हूं मैं किसी ज़रूरी काम से। मैं बता देती हूं आप लोगों को कि मुझे लेना है जितिया, और ये जितिया हम लोग जो बिहार से होंगे उन्हें पता होगा कि क्या होता है। जितिया का फास्टिंग करती हैं लेडीज़ जिनका बेबी होता है, बच्चे के लिए, वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, बच्चे के लिए करते हैं। तो जितिया पहनते हैं, गोल्ड का बना आता है। मैंने जितिया डिज़ाइन भी शेयर कर रखा है आप लोगों से। तो देखते हैं कि किस तरीके का लेके आते हैं मार्केट में। अभी मिलता है क्योंकि मुंबई में नहीं मिलता था, जब मैं मुंबई में थी तो नहीं मिलता था वहाँ पे। तो वहाँ अगर जितिया आपके पास गोल्ड का नहीं है तो आप धागा भी पहन के आप कर सकते हैं, अपना अपना शौक होता है। तो और जैसे आपका बजट होता है उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बनवाना है, चाहे छोटा सा भी बनवा सकते हैं, जैसे हिसाब से चाहिए। तो मैं तो सोच रही हूँ एक पेंडेंट टाइप का ले लूं, जो कि देखने में भी अच्छा लगे और रेगुलर भी पहन सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जितिया जो लेते हैं वो जितिया के टाइम ही लेते हैं, जैसे जितिया है तो उसके आगे पीछे ही लेते हैं, और कभी लेके उसको नहीं रख सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं गांव से लूँगी, बट गांव अभी जाना नहीं हो पा रहा है इस कोरोना की वजह से। तो यही देख रहे हैं, मैंने सुना है कि दिल्ली में मिल जाता है, तो चलिए देखते हैं। मिल जाएगा तो फिर भी ठीक है, नहीं तो धागा पहन लेंगे। 3 साल से मैं धागा ही पहन के आ रही हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो चलिए मैं हो गई हूँ रेडी, और देख के आते हैं, अगर मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिल जाए तो भी ठीक। अगर मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर कि कैसा है। और अपनी सासू माँ, मेरी सासू माता का, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनका बना हुआ है जितिया। तो मैं जब वो पहनेंगी तो मैं उनका भी दिखाऊंगी कि कैसा उनका, बहुत प्यारा सा है, छोटा सा। और मैं थोड़ा सा पेंडेंट टाइप का लूँगी, तो उनका पहले का बना हुआ है तो उस हिसाब से बना हुआ है। मैं अभी लूँगी तो अपने इधर के हिसाब से लूँगी। तो चलिए देखते हैं, आई होप मिल जाए।
हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने कल वीडियो स्टार्ट कर रखा था कल से, और उसकी एंडिंग अभी नहीं की। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं कितने मार्केट गई उस जितिया को लेने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा सा यूनिक चाहिए था, और ऐसा जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये मंगलसूत्र है ना, इसके अंदर ये लड़ी है ना, इसका ये टूटने का डर होता है, इसका भी एक हल्का सा निकला हुआ है, तो मुझे उस टाइप का नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल टाइप में चाहिए था। तो आखिर मुझे ज़्यादा थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, वहाँ से मैं लेके आई हूँ जितिया, फाइनली मैं लेके आई हूँ। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसा है मेरा जितिया, आप लोग ज़रूर बताएगा। और 3 साल हो गए थे मुझे, 3 साल में मैंने अभी तक नहीं लिया था, 3 साल मैं सिर्फ धागा बांध के ही काम चला रही थी। अभी यार तो देखिए, मेरा जितिया है ये, फोकस ले रहा है, ये कुछ इस तरीके से है। बहुत सिंपल है, और ये 2.5 ग्राम का है, ज़्यादा महंगा, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, ये 2.5 ग्राम का है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल टाइप, और गले में यहाँ तक रहेगा तो शायद अच्छा लगे। और थोड़ा सा छोटा करवाऊँगी मैं धागा। तो ये है मेरा जितिया, और जितिया के शेप का भी है। और मैं अपनी मदर इन लॉ को दिखाती हूँ, इनका थोड़ा हैवी है, थोड़ा नहीं हैवी है इनका, और मम्मी का छोटा सा है बट हैवी है, और मम्मी का ऐसा है, दिख रहा है, इसमें डिजाइन बना हुआ है। तो मम्मी का ऐसा जितिया है, और मेरा ये, हम दोनों का लगभग लगभग सेम है। तो ये हो गया जितिया का, मम्मी का और मेरा। जो मम्मी तो वैसे इस टाइप में, इस टाइप के मोती में गुथवाते हैं, तो मुझे अभी मिल नहीं रहा है इस टाइप का मोती, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी धागे में पहन लूँगी, जब गुथवाएंगे तब देख लेंगे, जब पता चलेगा कि कहाँ गुथता है, अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ गुथ रहा है, कहाँ गुथेगा नहीं गुथेगा। और यस, देखिए यहाँ से मेरे बाल फोल्ड, मैंने फोल्ड करके रखा तो यहीं से, यहाँ से फोल्ड हो गए। सही बोला था उन्होंने कि जहाँ से फोल्ड करोगे वहीं से फोल्ड हो जाएंगे आपके बाल। और मम्मी के लिए लेके आए हैं साड़ी, मार्केट गए थे मैं और मम्मी गए थे, तो हम दोनों सास बहू ने शॉपिंग की, और मम्मी ने बहुत सिंपल साड़ी ली है। मम्मी का कहना है, मैं खर खर करूँगी तब आवाज़ नहीं आएगी, मम्मी का कहना है कि ऐसी साड़ी ले जो डेली वेयर भी करें, और मतलब जो ले लूँ और डेली वेयर करूँ। वैसे तो मम्मी ले नहीं रही थी, बहुत जिद करने के बाद उन्होंने साड़ी लिया है। तो ये वैसे अच्छी लग रही है साड़ी, ऐसा नहीं, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, और शिफॉन में होता है ना शाइनिंग में, उस टाइप का कपड़ा है, तो बहुत प्यारी लग रही है। इसमें छोटा सा बॉर्डर है, पतला सा, और मुझे तो बहुत प्यारी लगी। मैं बताती हूँ कैसी लगेगी, ये देखिए। और मेरे मेरी साड़ी का कलर भी कुछ इसी तरीके से है, तो मैं और मम्मी दोनों मैचिंग मैचिंग हो जाएंगे, और इस तरीके से लगेगी ये साड़ी। तो आई होप बहुत अच्छी लग रही है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, और एकदम हल्की है। तो ये है साड़ी, और बस यही शॉपिंग किया, ये इसका पेटीकोट, तो मैंने जितिया खरीदा है, मम्मी ने साड़ी। साड़ी मेरे पास थी इसलिए मैंने साड़ी नहीं की, मम्मी तो बोल रही थी कि ले लो तुम भी साड़ी ले लो, बट मैंने अभी 30 में लिया है, फिर मैं साड़ी उतना पहनती नहीं हूँ तो लेने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं लेना मुझे, तो मैं जो साड़ी पहनूंगी वो उसी दिन देख लीजिएगा, या बीच में कभी दिखा दूंगी, क्योंकि अभी उसका फॉल पिको करना बाकी है, इसका भी फॉल पिको करना बाकी है, तो पिको मैं खुद ही करूंगी, जिस दिन करूंगी दिखाऊंगी। अभी आरुष जगा हुआ है तो उसके साथ तो सवाल ही नहीं उठता कि कुछ कर सकते हैं। तो यस, आज मुझे
शाम को थोड़ा बाहर जाना है तो उसका वीडियो मैं आपको कल मिल जाएगा। हाँ मैं बोलती हूँ बट आप लोगों की शिकायत रहती है, सॉरी मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, आई एम रियली सॉरी। अभी थोड़ा सा मैं चल रही हूँ, कुछ उलझने चल रही हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे मेरी वीडियो के साथ, आप जुड़े रहिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।